दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से एंड्रॉयड 15 का वन यू आई 7 का लिस्ट मैं आप लोगों के सामने जो है दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था एंड्रॉयड 15 का लिस्ट, जिसमें कुछ डिवाइस को ऐड नहीं किया गया था, और फाइनली यहाँ पर एक नया लिस्ट आया है सैमसंग की तरफ से, जो सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट है सैम मोबाइल, तो उस पर आया है। और इस ये जो है ऑफिशियल लिस्ट है एंड्रॉयड 15 का, तो जो जो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डिवाइस को ऐड किया गया है, और सैमसंग के कुछ ए सीरीज के डिवाइस थे और कुछ एम सीरीज के डिवाइस है जो कि पिछले लिस्ट में ऐड नहीं किए गए थे, जो कि मैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चलिए मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि सैमसंग के जो एंड्रॉयड 15 के लिए एलिजिबल डिवाइस हैं कौन कौन सी डिवाइस हैं और कौन कौन से सीरीज के डिवाइस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एस सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग का S24 अल्ट्रा है, S24 प्लस है, गैलेक्सी S24 है। इसके अलावा सैमसंग का S23 अल्ट्रा है, S23 प्लस है, S23 है। सैमसंग का S23 FE भी है। इसके अलावा सैमसंग का S22 अल्ट्रा, S22 प्लस, S22, S21 FE, सैमसंग का S21 अल्ट्रा, S21 प्लस, S21। तो ये डिवाइस जो है सैमसंग के एस सीरीज के जो फ्लैगशिप कैटेगरी के डिवाइस है, जो कि इनको तो कंफर्म एंड्रॉयड 15 का अपडेट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा सैमसंग का जेड सीरीज का डिवाइस है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, जो जेड सीरीज के डिवाइस है सैमसंग का Z Fold 6, Z Fold 5, Z Flip 6, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3। तो ये सैमसंग के जेड सीरीज के कुछ स्मार्टफोन है जो कि इस लिस्ट के अंदर जो है ऐड किए गए हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं ए सीरीज के डिवाइस के बारे में। तो सैमसंग का इसके अंदर जो ऐड किया गया है, सैमसंग का A72 डिवाइस है जो कि इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, जो कि पिछले लिस्ट में सैमसंग के A72 डिवाइस को ऐड नहीं किया गया था एंड्रॉयड 15 के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ए सीरीज के जो डिवाइस है सैमसंग का A73, गैलेक्सी A72, गैलेक्सी A54, गैलेक्सी A53, गैलेक्सी A34, गैलेक्सी A33, A25, A24, सैमसंग गैलेक्सी A23, सैमसंग गैलेक्सी A15 LTE प्लस 5G, सैमसंग A14 LTE प्लस 5G। तो ये जो डिवाइस है, इन डिवाइस को भी सैमसंग ने ऐड किया गया है जो एंड्रॉयड 15 के लिस्ट में हैं। इसके अलावा सैमसंग का जो है कुछ टैब सीरीज है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सैमसंग का टैब S9 FE प्लस, S9 FE, S9 अल्ट्रा, S9 प्लस, S9, और सैमसंग का टैब S8 अल्ट्रा, S8 प्लस, S8। तो ये डिवाइस है सैमसंग के जो सैमसंग के टैब एस सीरीज थे। इसके अलावा सैमसंग का कुछ एफ सीरीज डिवाइस है, जो कि 3 डिवाइस है, इस डिवाइस को ऐड किया गया है। सैमसंग का F54 है, सैमसंग का F34 है, सैमसंग का F15 है, जो कि आने वाले लिस्ट में और भी एफ सीरीज के डिवाइस को ऐड किया जा सकता है, सैमसंग ने ऐड कर सकता है। इसके अलावा मेन आ जाता है सैमसंग का एम सीरीज, जो कि इस लिस्ट के अंदर जो है पिछले जो लिस्ट था जो मैं आपको बताया था, उस लिस्ट के अंदर सैमसंग का जो डिवाइस था एक वो मिसिंग था, और जो इस डिवाइस के अंदर जो है उस डिवाइस को ऐड किया गया है, जो कि सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M53 है। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ सैमसंग के M सीरीज के डिवाइस है, जो कि कौन कौन से डिवाइस को ऐड किया गया है इस लिस्ट के अंदर। सैमसंग गैलेक्सी M54, सैमसंग गैलेक्सी M34, सैमसंग गैलेक्सी M53, सैमसंग गैलेक्सी M33 को भी यहाँ पे ऐड किया गया है, सैमसंग गैलेक्सी M15। तो ये जो डिवाइस है जो कि ऐड किया गया है, सैमसंग M33 पहले नहीं था, सैमसंग का M53 नहीं था, जो कि इस लिस्ट के अंदर जो है ऐड किया गया है। तो कंप्लीट मैं आपको जो है लिस्ट बताया हूँ, और भी आने वाले वीडियो में जो अगर लिस्ट के अंदर जो चेंजेस होता है, कोई भी डिवाइस को ऐड किया जाता है और रिमूव किया जाता है, तो मैं आपको जरूर मैं अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे इस लिस्ट के अंदर जो पिछले लिस्ट में A72 नहीं था, M33 नहीं था, सैमसंग का M53 नहीं था, जो कि इस लिस्ट के अंदर जो है सैमसंग के जो ऑफिशियल लिस्ट है इस लिस्ट के अंदर जो है ऐड किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।